नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल tricityhouse.com पे। सो आज मैं आपको दिखाने आया हूं 200 गज में बना हुआ 4 BHK विला। इसकी लोकेशन रहने वाली है सेक्टर 125 सनी इनक्लेव। तो सेक्टर 125 सनी इनक्लेव में रहेगा। एक बार आपको आसपास का एरिया दिखा देता हूँ। ऑलरेडी वेल डेवलप्ड है एंड ऑलरेडी फैमिलीज यहाँ पे रह रही है। सबसे अच्छी चीज़ है मेरे राइट साइड जस्ट 5 कोठियाँ छोड़ के ही आपका पार्क आ जाएगा। तो पार्क आपके विला के एकदम साथ में रहने वाला है। पार्किंग का कोई इशू नहीं रहने वाला बिकॉज विला का फ्रंट काफ़ी अच्छा है। 30x60 का इसका फ्रंट एंड बैक रहने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए सीधा टूर शुरू कर चुके हम अपने विला के बाहर। देख सकते हैं एलिवेशन काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ये आपकी प्रॉपर डबल स्टोरी विला रहेगा। अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो फ्रंट पे काफ़ी हैवी वर्क कर रखे हैं। आप देख सकते हो फर्स्ट फ्लोर की जो बालकनी है उसमें टफन ग्लासेस रहेंगे। सबसे अच्छी चीज़ है जो आउटर लुक आएगी आपके विला की, ये पूरी की पूरी टाइल वर्क से कवर कर रखी है। टाइल वर्क का फायदा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि मेन बेनिफिट इसका ये है, आज से 5 साल बाद भी आप यहाँ आओगे तो एलिवेशन सेम दिख रही होगी। एलिवेशन खराब नहीं होती, डजेंट मैटर जितनी मर्जी बारिश हो, डजेंट मैटर जितनी मर्जी धूप आए। तो आइए चलते हैं अपने विला के अंदर। एक गेस्ट पार्किंग आप यहाँ पे बाहर लगा सकते हो अपने एसयूवी की विला में अंदर होने से पहले, बिकॉज आपके पास बरम का एरिया काफ़ी अच्छा है। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंट्रेंस रहेगी इसकी। एक बार आपको पूरा गेट खोल के दिखा देता हूँ। एक ही साथ आपकी 2 कार्स एंटर कर सकती है आपके विला के अंदर। तो इतना अच्छा फ्रंट दिया है हमने। अब यहाँ पर आपको स्टेयर्स के नीचे स्टोरेज का एरिया मिल जाएगा, प्लस एक कार पार्किंग आपकी इस तरफ रहेगी, एक कार पार्किंग इस तरफ, तीसरी कार आप यहाँ पे भी खड़ा सकते हो। अगर आप 2 कार पार्किंग ही चाहते हो तो यहाँ पर पूरी प्लांटेशन करके किचन गार्डन तक बना सकते हो। डिपेंड्स ऑन यू, आप खाली कैनवस में कितने कलर भरना चाहते हो। तो आइए चलते अपने विला के अंदर। अंदर जाते हो आप देख सकते हो यहाँ पर काफ़ी प्यारा लाइट थीम टाइल वर्क किया हुआ है। उसी के साथ हमारे पास आ जाते हैं 3 वुडन बॉक्स जिसको डेकोरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। विला में एंटर होने से पहले जहाँ से हमारा विला ऊपर से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से लेकर यहाँ तक ऑलरेडी फॉल सीलिंग का वर्क कर रखा है, कंसील लाइट का वर्क कर रखा है, सिफो सीवेज में अंदर सैनिटरी का काम पेंडिंग है, वॉशरूम का काम पेंडिंग है, बाकी सारी चीज़ें रेडी टू मूव इन आप इसे बोल सकते हो। तो एंटर करने से पहले काफ़ी ही वाइड गेट आ जाता है हमारे पास यहाँ पे। जाली वाला दरवाजा भी लगा होगा, मेन गेट भी रहेगा इसमें। सो हम जब विला के अंदर एंटर कर रहे हैं, हम ईस्ट फेसिंग में एंटर करेंगे, एग्जिट करेंगे वेस्ट फेसिंग में। तो आ चुके हम विला के अंदर। देख सकते हैं काफ़ी बड़ा, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं 4 फीट वाइड आपका गेट रहेगा यहाँ पर, एंड हाइट भी इसकी 9 फीट तक रहेगी। आ चुके हैं हम अपने ड्राइंग डाइनिंग एरिया में। एंटर करते ही सबसे पहली नज़र जाती है इस फॉल सीलिंग पे जो कि एक पैटर्न फॉलो कर रही है। आप देख सकते हो फॉल सीलिंग यहाँ से लेकर आपके LED पैनल तक कवर कर रही है, जिसमें वाइट कलर की सीलिंग पे वुडन रेक्टेंगुलर्स बने हुए हैं, वुडन बने हुए हैं, वहां से यहां तक आती है। अगेन यहां पर सेम थीम यूज की है। आपका जो LED पैनल आउटर साइड पे दिया हुआ है व्हाइट कलर का, बैक साइड पे जो दिया हुआ है अगेन डार्क वुडन कलर का दे रखा है, एंड लेफ्ट साइड हमारे पास डेकोरेशन के लिए पैनल आ जाती है। तो यहां पर आपका ड्राइंग एरिया रहेगा, आप इसे डाइनिंग एरिया भी बना सकते हो। इसी के लेफ्ट साइड जो ड्राइंग एंड डाइनिंग को सेपरेट कर रही है वो आ जाएगा हमारा ये वुड पैनल, जिसपे आप फ्लावर पॉट्स रख सकते हो, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर स्क्रिप्चर्स रख सकते हो, काफी प्यारा लुक आएगा इसका। सो ये आ गया आपका ड्राइंग एरिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, फॉल सीलिंग अगेन यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट दे दी, 5 स्क्वायर बॉक्स दिए हुए हैं इसमें जिसके कारण काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका रॉयल वॉलपेपर, काफ़ी प्यारी वॉलपेपर की लुक आ रही है। एंड फॉल सीलिंग में अगेन यहाँ पर भी कंसील लाइट हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ क्या है, यहाँ पर हमने ग्लास दे दिया, ग्लास के कारण नेचुरल लाइट अच्छी आ रही है, प्लस वेंटिलेशन अच्छी भी आ रही है, इसलिए इसी के राइट एंड लेफ्ट साइड हमने जाली वाली खिड़कियाँ ऑलरेडी इंस्टॉल करके दे रखी है। तो ये आपका ड्राइंग एरिया बनेगा, इसको आप डाइनिंग एरिया बना सकते हो, एंड ये आ गई आपकी पूजा रूम की स्पेस। सो व्हेन यू आर एंटरिंग योर होम सबसे पहले आपकी गेस्ट की नजर जाएगी पूजा रूम के ऊपर। देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ऑलमोस्ट 1.5 फुट की स्पेस दे रखी है पूजा रूम के लिए। डिजाइन काफी अच्छा कर रखा है, आप इस स्पेस को अपने हिसाब से भी यूज कर सकते हो। अब इसी के राइट साइड आ जाएगी हमारी काफी वाइड किचन। किचन की बात करूँ तो 10x10 से थोड़ा सा ज्यादा स्पेस रहेगा इसका। एंड एंटर करने से पहले जो वॉल आप देख रहे हो ये पूरी वुडन से कवर की हुई है। तो हम अभी तक जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हमारे विला का जो डिज़ाइन है लाइट थीम विद डार्क वुडन के साथ रहेगा। आ चुके हम किचन के अंदर। यहाँ पर चिमनी के लिए प्रोविजन ऑलरेडी दे रखे हैं हमने, एंड काफ़ी प्यारे पैनल्स लगे हुए हैं, टेक अ लुक, काफ़ी स्पेशियस आपके पैनल रहेंगे। कंसेप्ट सेम रखे है, ड्राई किचन इस तरफ, वेट किचन इस तरफ। वेट किचन जहाँ पर बनी है वहाँ पर वेंटिलेशन के लिए और नेचुरल लाइट के लिए ऑलरेडी हमने प्रोविजन कर रखे हैं। इस साइड आपकी पेंट्री की स्पेस आ जाएगी। पेंट्री की स्पेस के साथ ही यहाँ पर आपका मैं कह रहा हूँ 10 लीटर से भी बड़ा फ्रीजर आ जाएगा इजीली, काफ़ी प्यारी स्पेस दे रखी है फ्रीजर के लिए। इसी को साथ फॉलो करते हुए हम फर्स्ट रूम में चलेंगे। आ चुके हैं अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर। नाउ लुक एट द डिज़ाइन, काफ़ी प्यारी थीम रखी हुई है फर्स्ट बेडरूम की। यहाँ पर आ जाता है आपका वॉलपेपर,
वॉलपेपर डिजाइन फॉलो कर रहा है सेम जो कि ड्राइंग डाइनिंग में था विद अ डिफरेंट कलर लेयर, तो काफी प्यारी लुक आ रही है इसकी। फॉल सीलिंग आपकी सेम रहेगी, यहाँ पर फैन लगाना चाहते हो फैन लगा सकते हो आप अपनी मर्जी से। एंड राइट साइड वार्डरोब का एरिया आ जाएगा हमारा। वार्डरोब में अभी यहाँ पर समाइका का वर्क पेंडिंग है, उसके बावजूद वी गेट एन आइडिया कि इसकी आउटलुक कैसी आएगी। सेम टू सेम यही समाइका यहाँ पे यूज करेंगे। अभी से भी हमने अप टू द रूफटॉप तक लेकर गए हैं स्पेस को। एक्स्ट्रा स्टोरेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड ये वाला जो एरिया है ये आपका सेपरेटली ड्रेसिंग में बदल सकता है, अगर नहीं बनाना चाहते यहाँ पे कुछ और लगाना चाहते हैं तो ड्रेसिंग आपकी इस तरफ आ जाएगी। अब वॉशरूम में जाने से पहले हम एक लॉबी को फॉलो करेंगे, उस लॉबी के साथ ही हमारा प्रॉपर ड्रेसिंग एरिया आ जाएगा। ड्रेसिंग एरिया में आपके एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए ऑलरेडी पैनल दे रखे हैं एंड नीचे भी काफी अच्छी स्पेस दे रखी है, तो ये आपका ड्रेसिंग एरिया एकदम सेपरेट आ गया। नाउ लेट्स गो इनटू वॉशरूम। अब जैसा कि मैंने कहा था वॉशरूम में अभी लाइटनिंग का काम पेंडिंग है, तो थोड़ी सी डिम लाइट आ रही होगी प्लस गुंजे की आवाज, बिकॉज यहाँ पे सैनिटरी का काम करना है। सो दिस वन आप देख सकते हो यहाँ पे डिवाइडर सा लग रखा है ऑलरेडी ग्रेनाइट से, ये पूरा का पूरा आपका शावर एरिया रहेगा। लेफ्ट साइड जो स्पेस है यहाँ पर आपका होल हैंगिंग सीट आ जाएगी। ब्रांड अभी हमने कंफर्म करना है लेकिन इतना अश्योर है कि हिंदवेयर या जगुआर इन दोनों में से किसी एक कंपनी की सैनिटरी रहेगी। अब यहाँ पर भी हमने एलईडी पैनल लगाया है, सामने आपका बेड होगा, वहां पर बैठकर आप इजीली अपने रूम में भी नेटफ्लिक्स देख सकते हो टीवी देख सकते हो, एलईडी पैनल की प्रोविजन दी है आपको। यहीं से हम आ चुके हैं अपने बैकयार्ड की तरफ। बैकयार्ड की स्पेस आप देख सकते हो काफी स्पेशियस दे रखी है। यहाँ पर एकदम ना सेपरेटली हमने टाइल्स लगा दी दिस साइड, जहां पर आपकी वॉशिंग मशीन रहेगी, प्लग टैप्स ऑलरेडी दोनों इंस्टॉल है। अब ये जो बैकयार्ड है इस तक ना आप सिर्फ इसी बेडरूम से आ सकते हो, दूसरे बेडरूम में हमने लाइट के लिए प्रोविजन के लिए वेंटिलेशन के लिए खिड़की दे दी है। तो आइए चलते हैं अपने दूसरे बेडरूम की तरफ। तो अगेन स्पेस काफी अच्छी है, 200 गज के हिसाब से डिजाइन काफी अच्छा किया हुआ है। चाहे हम ड्राइंग डाइनिंग एरिया की बात करें चाहे हम पूजा रूम की बात करें, आपके दोनों रूम्स के बीच में आ जाएगा पूजा रूम। आ चुके हम अपने सेकेंड बेडरूम की तरफ। अब सेकेंड बेडरूम में ग्रे एंड डार्क ग्रे, ग्रे एंड डार्क ग्रे कलर का आपका वॉलपेपर रहेगा। काफी प्यारी फिनिशिंग आ रखी है, ऐसा लग रहा है पीवीसी शीट लगी हुई है, तो इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी कर रखी है। एज कम्पेयर टू फर्स्ट बेडरूम इसका साइज थोड़ा सा छोटा रहने वाला है, लेकिन अगेन 200 गज में बने हुए एक विला के अकॉर्डिंग काफी बड़ा रूम दे रखा है। तो इसमें आपकी ड्रेसिंग एरिया क्या किया एकदम सेपरेट कर दी है। सी दिस विल बी योर ड्रेसिंग एरिया, यहाँ पर आप इजिली स्टोर कर सकते हो अपने कपड़े एंड इस तरफ भी रहेगी, स्टोरेज की इशू नहीं रहने वाली भाभी जी को, बहुत अच्छा रूम दे रखा है। डिजाइन काफी अच्छा है। अभी तो हमने जस्ट ड्रेसिंग के लिए आपकी जो वार्डरोब है उसके लिए अलग से स्पेस देखी है। दिस विल बी योर एलईडी पैनल एरिया, देख सकते हैं डिसेंट साइज का रहेगा, लाइट थीम रहेगा। कुछ इस पे डेकोरेशन के लिए रखना चाहते हो लाइक फैमिली पिक्स वगैरह, उसके लिए भी जगह है। फॉल सीलिंग की बात करें तो अगेन यूनिक यूनिक डिजाइन है हर एक रूम में, कंसील लाइट को फॉलो करते हुए स्ट्रिप लाइट को फॉलो करते हुए ये बन रखे हैं। अब इस साइड आपका वॉशरूम रहेगा, वॉशरूम में एंटर होने से पहले दिस इज योर लिटिल लॉबी जिसमें हमने ड्रेसिंग ऑलरेडी बना रखी है। अगेन इसमें भी डेकोरेशन के लिए या फिर स्टोरेज के लिए हमने स्पेस दे रखी है, नीचे आपके पैनल अलग से होंगे। नाउ लेट्स गो इनटू वॉशरूम एरिया। अगेन मुझे सबसे अच्छी चीज ये लग रही है यहाँ पर प्रॉपर बाथ के लिए ना जो आपका शावर एरिया वो एकदम सेपरेट किया हुआ है यहाँ पर, एंड सैनिटरी आपकी यहाँ पे आ जाएगी। टाइल्स की बात करूं तो ग्रे कलर की लाइट थीम टाइल लगा रखी है अप टू द रूफटॉप तक। तो नीचे के लेआउट को एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। आप एंटर करेंगे ईस्ट साइड को, आप एंटर करेंगे ईस्ट साइड, एंटर करते ही आपके सामने सबसे पहले दिखेगा आपका पूजा रूम। लेफ्ट साइड आपके किचन रहने वाली है, दिस विल बी योर ड्राइंग एंड डाइनिंग स्पेस। अपने हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, उधर ड्राइंग कर लो इधर डाइनिंग कर लो, डिपेंड्स ऑन यू। तो आइए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। हम नीचे जैसे कि आपने देखा 2BHK बना हुआ है एंड सुपर ऊपर भी सेम 2BHK बना है, जस्ट लेआउट में थोड़े से चेंजेस किए हुए हैं, वो जैसे जैसे हम वहां तक जाते हैं मैं आपको दिखाते हुए जाऊंगा। आ चुके हम अपने फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पे एंटर करते ही सबसे पहले हमें दिखता है देखो ये 2x4 की टाइल है, 12 फीट की आपके पास यहाँ पर स्पेस आ जाती है एंड अलमेस यहाँ पे भी आपको 15-18 फीट की स्पेस मिल जाती है। इसी के साथ यहाँ पर टफन ग्लास लगे हुए हैं, आपकी जो गैलरी बनी हुई है इसकी ग्रिल के साथ टफन ग्लास आपको मिलेगा। एंड तक बालकनी फॉलो करते हैं हम, ठीक है जी। अब यहाँ से हमारी आ जाएगी एंट्रेंस। अब इसमें भी अगेन आपका जाली वाला दरवाजा ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, लुक एट द हैंडल, काफी प्यारी लुक आ रही है हैंडल की। एंड अगेन मेन डोर सेम क्वालिटी के साथ दिया हुआ है, सेम हाइट सेम विडनेस जैसे नीचे दी है, हल्का सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्वालिटी के साथ। अब यहाँ पे एंटर करके ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो ये आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया रहने वाला है। फॉल सीलिंग का वर्क इसमें ऑलरेडी किया हुआ है। किचन की बात करें तो हमें यहाँ पे किचन सेम टू सेम इसी सेगमेंट की मिलेगी, थोड़ा सा डिजाइन में चेंजेस है लेकिन एज इट इज सेम रहेगी, ये जितना आप स्पेस देख रहे हो काफी अच्छी स्पेस दे रखी है इसकी, सेम टू सेम स्पेस रहेगी।
इस तरफ आ जाएगा हमारा वेट किचन का एरिया। वेट किचन के एरिया में हमने अगेन ग्लास दे रखे हैं नेचुरल लाइट के लिए, एंड उसी के साथ जाली वाली खिड़की भी लगा कर दे रहे हैं हम। तो इसी के लेफ्ट साइड आ जाएगा हमारा फर्स्ट बेडरूम। आ चुके हैं हम अपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर। अगेन बेडरूम के साइज के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं किया बिल्डर ने, काफी स्पेशियस यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारा बेडरूम आ जाएगा। फॉल सीलिंग का डिजाइन आप देख सकते हो एज इट इज सेम मिलने वाला है। अगेन नीचे जो हमने दो कमरे देखे उससे एकदम अलग रहेगा, हर रूम में एकदम अलग टेस्ट करने की कोशिश की हुई है। यहाँ पे रहेगी आपकी वार्डरोब। वार्डरोब आप देख सकते हो स्पेस आपकी इतनी रहने वाली है, एज इट इज सेम रहेगी वार्डरोब भी। एंड इसी के साथ फॉलो करते हैं हमारे एलईडी पैनल के एरिया को। लाइट थीम आपका एलईडी पैनल का एरिया रहेगा, सवाई का वर्क इसमें ऑलरेडी किया हुआ है। एंड यहाँ पे भी हमारे पास ड्रेसिंग के लिए अलग से स्पेस आ जाती है। और देखो कितना ही सिंपल येट यूनिक डिजाइन कर रखा है और देखने में अट्रैक्टिव भी लग रहा है। अपने घर पे भी आप इस तरह के छोटे छोटे आइडियाज लेकर डिजाइन करवा सकते हैं। यहाँ पर आ गया हमारा वॉशरूम एरिया। वॉशरूम हमारा सेपरेट रहेगा, बाथ एरिया शावर एरिया एकदम सेपरेट रहेगा। यहाँ पर थोड़ी ओल्ड स्कूल टाइल्स दिखने को मिल रही है, ब्लू कलर एंड व्हाइट कलर का इसमें मिक्सचर कर रखे है। तो ये आपका बेडरूम है, थर्ड बेडरूम आ जाएगा। आइए आपको दिखाता हूँ आपका फोर्थ बेडरूम। अब जब हम एंटर करते हैं, एंटर करते ही राइट साइड किचन, दिस साइड योर बेडरूम एंड एक बेडरूम आ जाएगा इस साइड को। ये वाला बेडरूम में आप देख सकते हो नेचुरल लाइट काफी ज्यादा अच्छी है। वेस्ट फेसिंग में क्या होता है, दोपहर 1 बजे से लेकर शाम तक अच्छी धूप रहती है। तो ये वेस्ट फेसिंग बिल्डिंग है, वेस्ट फेसिंग के हिसाब से आप देख सकते हो नेचुरल लाइट कितनी अच्छी है। फॉल सीलिंग आपको इसमें सेम मिलेगी, एंड अगेन यहाँ पर भी आपका एलईडी पैनल हम लगा कर दे रहे हैं ऑलरेडी। इसी के साथ फॉलो करते हुए हम वॉशरूम की तरफ चलेंगे। वॉशरूम में एंटर होने से पहले यहाँ पर आ जाता है हमारा वार्डरोब प्लस ड्रेसिंग एरिया, 2-in-1 कंसेप्ट हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं। एंड ये आगे आपका वॉशरूम एरिया जिसको अभी एट प्रेजेंट हम एज ए स्टोरेज यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपकी प्रॉपर सैनिटरी लगा कर देंगे। एट प्रेजेंट हमारे इस पूरे विला में सैनिटरी का काम नहीं हो रखा, बट वो सारी चीजें कंप्लीट करके देंगे। अब ऊपर क्या किया है, 2 rooms दिए आपको, ड्राइंग डाइनिंग एरिया दिया है। एंड उसी के साथ फॉलो करते हुए पहुंच जाते हैं हम अपनी ओपन रूफ की तरफ। आ चुके हैं हम अपनी ओपन रूफ की तरफ। यहाँ पर प्रॉपर टाइलिंग कर रखी है वुडन कलर की, काफी अच्छी स्पेस है। इवनिंग के टाइम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर बैठ सकते हो। इन फ्यूचर और कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत पड़े तो यहाँ पे भी एक बेडरूम बना सकते हैं। दोस्तों हमारा 200 गज में बना हुआ 4 BHK घर। अगेन पार्किंग की स्पेस की बात करूं, बहुत अच्छी पार्किंग की स्पेस दी हुई है। 200 गज में इस चीज की कमी हमेशा दिखती है। लेआउट भी काफी प्यारा है और वर्क भी काफी अच्छा हो रखा है। तो इसको विजिट करने के लिए या इसकी और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एंड इसी टाइप की वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं था दीपक शर्मा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे न्यू लोकेशन के साथ।